दंतेवाड़ा से आ रहे, जहां पे सर्चिंग के दौरान जवानों को सफलता हासिल हुई। जवानों को दो आईईडी बरामद हुआ है, 10-10 किलो के दो आईईडी बरामद किया गया है। जवानों ने बम को सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए हमारे जवानों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। आईईडी बम सर्चिंग के दौरान मिली है और जिसे दोनों ही आईईडी बम को सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया गया है। 10-10 किलो का ये दो आईईडी बरामद किया गया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए दरअसल ये नक्सलियों की तरफ से प्लांट किया जाता है, लेकिन हमारे जवान जो है मुस्तैदी से बड़े ही अलर्ट होकर इस तरीके की वारदात को जो नक्सलियों की तरफ से प्लांट किया जाता है उसे डिफ्यूज करते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये प्लांट किया जाता है। दंतेवाड़ा में दरअसल हमारे सुरक्षा बल जो है सर्चिंग के लिए निकले थे। दंतेवाड़ा अभी भी दंतेवाड़ा का अधिकतर हिस्सा जो है वो नक्सल प्रभावित माना जाता है, और यहाँ पर जब हमारे जवान अपनी जान हथेली में डालकर सर्चिंग के लिए निकले थे, तो उस वक्त ये सफलता हमारे जवानों को हासिल हुई है। पंकज ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज, एक के बाद एक हमारे जवानों की कोशिश रंग लेकर आ रही है। बीते कई दिनों से देखा जाए तो आज एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल हुई है, दो आईईडी बम को सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये जो आईडी है दंतेवाड़ा के मलंगिर एरिया कमेटी के नक्सलियों ने लगा के रखा था। एक आईडी को समेली से बर्रेम वाली रोड पे लगाया था, दूसरी आईडी को अरनपुर से पोटाली वाले रोड में लगाया था। 10-10 किलो की आईडी थी। बस्तर फाइटर्स और डीआरजी के जवान सर्चिंग में निकले थे, तब ये आईडी रिकवर की गई। आईडी को मौके पर बीडीएस की टीम बुलाई गई। बीडीएस की टीम बुलाने के बाद दोनों आईडी को निकाल के मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मतलब समझिए कि जवानों के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है, क्योंकि अगर ये आईडी कहीं ब्लास्ट होता तो बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था जवानों को, लेकिन जवानों की सूझबूझ से नक्सलियों के नापाक मंसूबे थे पूरी तरीके से फेल हो गए। जी पंकज, जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पर ये नक्सलियों की तरफ से प्लांट किया गया था आईडी, ये इलाका रिहायशी इलाके से कितनी दूरी पर है? क्या अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है? दंतेवाड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका पड़ता है। मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि ठीक 1 साल पहले इसी इलाके में नक्सलियों ने अरनपुर के पास एक ब्लास्ट मारा जिसमें हमारे 10 जवान शहीद हो गए थे। ये वही इलाका है मलंगिर एरिया कमेटी का, जहाँ पर नक्सलियों की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, और इस इलाके पे लगातार सर्चिंग बनाई जा रही है। इस इलाके से लगातार समर्पण भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों में बड़ी बौखलाहट है, और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, मगर जवानों की जो सूझबूझ है उसके आगे सारा कुछ नक्सलियों का किया धरा फैल हो जा रहा है। जी अब बिल्कुल जो साजिश है नक्सलियों की, वो साजिश को नेस्तनाबूत हमारे जवान कर रहे हैं। सवाल मेरा ये भी था कि क्या अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है इलाके में? बिल्कुल, हमारी दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय से बात हुई है। इस इलाके में डीआरजी पार्टी लगातार निकल रही है और इस इलाके में लगातार सर्चिंग भी चल रही है। अच्छा, ये बताइए जरा, क्या यहाँ पे दिशा निर्देश फिलहाल प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं यहाँ के बाशिंदों को? जो मलंगीर एरिया का इलाका पड़ता है एकदम ग्रामीण अंचल पड़ता है, और इस इलाके में लगातार सर्चिंग जवानों की चल रही है। ये इलाका नो नेटवर्क जोन में भी बहुत सारा हिस्सा इसका आता है, इसलिए जवानों की जो सर्चिंग है इस इलाके में लगातार बढ़ाई गई है, और जवान लगातार इस इलाके को सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इलाका है दंतेवाड़ा से जगरगुंडा को जोड़ता है, और जगरगुंडा जो एक ऐसा इलाका है जो नक्सलियों की राजधानी के रूप में पहले से माना जाता रहा है, और इस इलाके पर जवान कई सीआरपीएफ के कई कैंप भी 5-5 किलोमीटर की दूरी पर डाले गए हैं, और जी नक्सलियों को पीछे करने के लिए लगातार काम भी जो ऑपरेशन है जवानों का ये चलाया जा रहा है। चलिए, जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो हमारे जो रिहायशी इलाके के लोग हैं, जो बाशिंदे हैं खासतौर पर दंतेवाड़ा और बस्तर के, वहाँ के लोगों को डरना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि हमारे जवान देखिए किस तरीके से, और शासन प्रशासन नक्सलियों के खात्मे के लिए दिन रात लगे हुए। फिलहाल पंकज, आपका विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।